వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి అజ్మీరా సీతారాం నాయక్ కురువి శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామి దేవాలయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్లో రిటర్నింగ్ అధికారి జిల్లా కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్ కు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పట్టణంలోని ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుండి తహసీల్దార్ కార్యాలయం సెంటర్ వరకు రోడ్ షో నిర్వహించారు. ఈ రోడ్ షోలో కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, బీజేపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్నర్ మీటింగ్ లో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రొఫెసర్ సీతారాం నాయక్ ని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి నరేంద్ర మోదీకి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలని, మానుకోటను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. భారతదేశంలో మోదీ ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందరికీ చేరువయ్యాయని, మానుకోటలో బీజేపీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకుని మరోసారి మోదీని ప్రధానమంత్రిని చేయాలని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు. यहाँ बैकवर्ड क्लास, बिजनेस कम्युनिटी और विशेष करके महिलाओं के लिए
युवाओं के लिए, किसानों के लिए संदेश लेके आया हूँ। और सबसे पहले मैं इस देश का जितना गरीब है, किसान है, आदिवासी है, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, युवा है, सबके ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करता हूँ कि इस क्षेत्र में महबूबाबाद में बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही मेहनत करने वाला, बहुत अच्छा इंसान प्रोफेसर सीताराम नाइक जी को बीजेपी कैंडिडेट बनाया है। और आज पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का लहर दौड़ रहा है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का लहर देख रहा हूं। अभी 19 तारीख नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कुछ हिस्से में फर्स्ट फेस, पहला चरण इलेक्शन हो गया है। हमारे वहां में कांग्रेस का एक भी एमपी एमएलए सीट मिलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रहा है। वैसे ही आज मैं तेलंगाना में आया हूं, तो मैं लंबा नहीं करते हुए मैं अपना संदेश देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा आदिवासियों की ओर से, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहला कानून मंत्री बना था हिंदुस्तान का, उसके बाद से लेकर के मेरे समय तक कांग्रेस पार्टी ने किसी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को इस देश का लॉ मिनिस्टर नहीं बना पाया। पहला लॉ मिनिस्टर मुझे बना करके आदिवासियों को इज्जत दिया है। इसलिए मैं अपने ओर से आपको कहना चाहता हूं, हमारे 70 साल बाद, आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आदिवासियों को याद नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एक आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासियों का सम्मान दिया है। उसी प्रकार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप से पूरा देश में ट्राइबल्स के लिए, आदिवासी के लिए बहुत बड़ा इज्जत देकर के गौरव दिवस मनाया गया है। आज के दिन में हमारे यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, महबूबाबाद में एक भी महिला का वोट कांग्रेस पार्टी और दूसरा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी जो किया है, इस इलेक्शन के बाद जो अगले इलेक्शन होने वाले हैं, 33% एमएलए और एमपी महिला बन जाएगा। महिलाओं के लिए इतना ज्यादा स्कीम चलाया है कि सारा महिला आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है। जितना युवा है, मैं इस देश का युवा और खेल मंत्री भी रहा है, मुझे मालूम है भारत में युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं सकता है। युवाओं का भविष्य के लिए कई प्रोग्राम चलाया है। आपका भविष्य को अगर उज्ज्वल होना है, आपके भविष्य को आगे और देखना है, मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट प्रोफेसर सीताराम नाइक जी को भारी बहुमत से महबूबाबाद लोकसभा क्षेत्र से जीता के भेजना है। किसानों के लिए यहाँ दुकान में बैठने वाले जो बिजनेसमैन है और जितने भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग, आप लोग सुन लीजिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस एक मुद्दा बोल के जा रहा है कि इस देश में जितना रिसोर्सेस है वो मुस्लिम को पहला देगा, ऐसा बोल के मुस्लिम को भी वो धोखा दे रहा है। हम इस देश का नागरिक सब बराबर है, हम आदिवासी लोग भी इस देश का नागरिक है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी हम लोगों के लिए सोचा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे देश का, सिर्फ महबूबाबाद नहीं, सिर्फ तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी का लहर है। इसलिए महबूबाबाद लोकसभा में प्रोफेसर सीताराम नाइक को भारी बहुमत से आप लोग वोट देकर के जिताइए। और फिर इलेक्शन के बाद मेरा अपना मिनिस्ट्री, मेरा पास अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है, मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मंत्री होने के नाते आपके महबूबाबाद में खाने पीने का प्रोसेसिंग यूनिट का, इंडस्ट्री का पूरा मैपिंग करके प्रोफेसर सीताराम नाइक जी का साथ बात करके आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम करके मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। इसलिए हमारा कैंडिडेट प्रोफेसर सीताराम नाइक जी को
भारी बहुमत से वोट देकर के विजय बनाई है और फिर नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरे टर्म भारत का प्रधानमंत्री बना करके भारत देश को शक्तिशाली देश बनाना है। आज यहाँ रैली में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना भी कार्यकर्ता यहाँ आया है संदेश आप गांव गांव जाना है, 13 तारीख तक कोई आराम नहीं करना है, मोदी जी को तीसरा टर्म प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम लोग सबको मेहनत करना है, मोदी जी का संदेश को गांव गांव घर घर लेके जाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।